नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन है और मैं यहाँ लाई हूँ गणेश जी का एक नया अवतार, उसके पीछे की कहानी और एक नई रेसिपी। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उनके एक प्रमुख अवतार की, जो है महोदर अवतार। जब कार्तिकी ने तारकासुर का वध कर दिया था तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया, महोदर यानी बड़े पेट वाला। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे और उनके इतने बड़े स्वरूप को देखकर मोहासुर ने उनसे बिना युद्ध किए ही गणपति जी को अपना इष्ट बना लिया। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल बटन को हिट करना ना भूलें। यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच पाउडर्ड शुगर और यहाँ मैंने घर में निकला हुआ पनीर लिया है, जिसका मैंने पानी टोटली निकाल दिया है। आपको भी बिल्कुल पानी अच्छे से निकाल देना है। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच लिए हैं मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी है तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा। अब हम तीनों को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, एक बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मेरा पेस्ट तैयार है और मैंने उसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर में मैंने मिक्स करके इसको पैन में डाल लिया है। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की है, हम इसे पैन में डाल देंगे। और अब हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 चम्मच मैदा और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑन और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच घी। ज़्यादा घी नहीं डालना है, 1/2 चम्मच ही डालना है। और अब हम इसको चलाएंगे, इसको बहुत ही अच्छे से आप इसे चलाइए। और इसे रेडी होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ये 2 मिनट में ही साइड छोड़ना शुरू कर देता है। और मेरी फ्लेम थी मीडियम टू हाई, आपको भी मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है। देखिए ये 1 से 2 मिनट के अंदर ही इसने साइड छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए, अच्छे से बस चलाते रहिए और एक बार गैस बंद होने के बाद भी इसको एक कुछ सेकंड्स के लिए चलाएं और उसके बाद प्लेट में ठंडा कर लें। अब मैंने प्लेट पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे और उसके साथ इसको मिक्स कर दिया है। अब हम एक थोड़ा छोटा सा पोर्शन निकाल लेंगे और उसे मोदक की फॉर्म दे देंगे। देखिए इसे ऐसे रोल कीजिए और फिर नीचे से डोम शेप दे दीजिए। और अब हमारा वही पुराना तरीका, हम लेंगे टूथपिक और उसे देंगे मोदक की शेप। हम बिना मोल्ड के मोदक की बहुत ही परफेक्ट शेप बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मोदक तैयार है। और इसी तरीके से हम हमारे सारे पनीर के मोदक बना लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखिए 2 से 3 मिनट हमें गैस पे लगे और बाकी हमने सिर्फ ग्राइंड करने में टाइम लगाया। ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से। एक मिष्ठान बहुत अच्छा बनता है ये। और देखिए हमारे मोदक रेडी हो चुके हैं। मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे थे इनको तैयार करने में और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और इनके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालिए, कुछ भी आप स्टफिंग कर सकते हैं, ये सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी कहानी और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।